सो गाइस, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन जनरल एनडी के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन पर भी मैंने जो क्वेश्चन है उसकी जो पिक लगा रखी है, प्लस आप चाहे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे हम इसमें कह रहा है कि पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन दे रखी हैं, हमें उसकी जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट है ना, हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट, अपना रजिस्टर ले लीजिए और मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी रहेगी डेट, ठीक है। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा, वैसे फॉर्मेट बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बना लेते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेज़र फोलियो, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, और ये आ गया वहाँ पर डेट। ठीक है, अब जैसे कि हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें जो ईयर है वो दे रखा है सन 2020 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सन 2020 में जो ईयर है वो डाल लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी जनरल एंट्री है, मतलब सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो ये है कि पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद 1 लाख रुपीज़, ठीक है। पवन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपये से। तो इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, कैसे होती है बताइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखिए पवन ने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो बिज़नेस में कैश आया होगा, ठीक है। और वो किस फॉर्म में आया है, वो कैपिटल के फॉर्म में आया है। तो हमें पता है कि जब भी जो कैश है, कैश हमारी असेट है, ठीक है। तो कैश बिज़नेस में बढ़ रहा है, ठीक है, यानी असेट बढ़ रही है, तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो ये ट्रांजेक्शन हुई है अप्रैल 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पहले कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1 लाख से, ठीक है। कैप और कैपिटल यहाँ पे हमारी बढ़ रही है बिजनेस में, ठीक है। तो कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, वो होती है क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 1 लाख रुपए से। नरेशन बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पवन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री है यहाँ पे हमारी, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, ओपन्ड बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया। वो जो अकाउंट है वो कौन सा है, वो सेविंग अकाउंट है। तो जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सिंपल बात है, हमें कुछ अमाउंट हमको डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो जो अमाउंट है वो हमने चेक के थ्रू हमने डिपॉजिट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 2। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो तो बढ़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट बढ़ेगा कितने से, 50,000 से, प्लस ये हमारे पास कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अब नेक्स्ट जो है हमारी एंट्री है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, परचेज्ड कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। हमने कंप्यूटर परचेज करा है कैश में 20,000 रुपये का, ठीक है।
तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो हमारा रियल बिजनेस नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर खरीदना बेचना हमारा रियल बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखो, तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो गया, असेट हो गया। असेट बढ़ती तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000। और हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, टू कैश अकाउंट कितने से, 20,000, ठीक है। बीइंग द कंप्यूटर परचेस्ड, परचेस्ड फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ ऑफिस। हमने रिपेयर्स के लिए कुछ पैसा हमने पे किया है, मतलब ऑफिस में ना कुछ हमने रिपेयर कराया है, उसके लिए हमने पे कराया है 2,500 रुपये, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एंट्री हमारी क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पर हम रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2,500 से टू कैश अकाउंट। अच्छा, हमने रिपेयर्स अकाउंट हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि हमारा खर्चा है और खर्चा जब भी हमारा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और हमारे पास से कैश गया है। बीइंग द रिपेयर एक्सपेंस पेड, अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो ये है परचेज गुड्स इन कैश कितने के, 10,000 के। हमने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 के। तो यानी कि सिंपल ये बात है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश में ख़रीदा है कितने के, 10,000 के। बीइंग द गुड्स, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखिए नाम मेंशन, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि हमने कैश में ख़रीदा है, यहाँ पे बस हमें नाम बता रखा है कि हमने प्रसाद एंड कॉरपोरेशन से हमने 1,00,000 रुपये का हमने माल ख़रीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू उनका नाम आ जाएगा, ठीक है, प्रसाद एंड कॉरपोरेशन अकाउंट, ठीक है, कितने से, 1,00,000 रुपये से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी बना रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से लिखूँगा, ठीक है। सेवन्थ जो है एंट्री है वो ये है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, हमने कैश में माल बेचा है, कब बेचा है, अप्रैल 7 को, ठीक है, हमने कैश में माल हमने बेचा है। तो सिंपल ये बात है, हमारे पास कैश आया होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कितने का माल है हमारे पास, ये 20,000 का, ठीक है, 20,000 और टू सेल्स अकाउंट 20,000। बीइंग द गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कब की है, ये 8 तारीख की, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू देवेन कॉरपोरेशन, अब यहाँ पे हमने माल तो बेचा है देवेन कॉरपोरेशन को, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि हमने कैश में बेचा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देवेन कॉरपोरेशन कैश की जगह पर, क्योंकि हमने उधार में माल बेचा है,
अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने में बेचा है? 75,000 का। बीइंग द सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, मेड ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 9 की, देव एंड कॉरपोरेशन रिटर्न गुड्स दे बीइंग डिफेक्टिव, ठीक है। देव एंड कॉरपोरेशन ने, जिनको हमने माल बेचा था, उन्होंने गुड्स वापस करे हैं 15,000 के, क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कॉरपोरेशन। ध्यान रहे, कभी सेल्स मत कर देना डेबिट, ठीक है। सेल्स रिटर्न होता है, कितने के वापस करें उन्होंने? 15,000 के। फिर नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू प्रसाद एंड कॉरपोरेशन। अब हमने गुड्स वापस करे हैं किसको? प्रसाद एंड कॉरपोरेशन को, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी फिर? प्रसाद एंड कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट कितने के करें? 8,000 के टू परचेस रिटर्न अकाउंट 8,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज, हमने सैलरी पे करी है, ठीक है। ये कब की है? 11 तारीख की। तो सैलरी पे करी है, तो यानी कि खर्चा हुआ हमारा, तो यानी सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने की हुई है? कितनी सैलरी थी हमने? 15,000, और टू में आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट कितना? 15,000। बीइंग द सैलरीज पेड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको एंट्रीज समझ में आई होंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क में, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और उसका उसके जो जनरल एंट्रीज हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं देख लेता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन देना है। ये क्वेश्चन दे देते हैं, ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको करना है। इसका आप चाहें तो जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो आंसर है मैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है।